मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परछाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोटे काटने से इलाका वासियों में भारी रोष, आप सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। डॉक्टर वीरका ने कहा, खटखटाएंगे अदालत के दरवाजे। 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर लोगों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। करीब 1000 वोटे काटने से गुमानपुर इलाका वासियों ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके उन्होंने कहा कि आप सरकार लोगों के साथ धक्केशाही कर रही है, पंचायती चुनाव निरपक्ष रूप से नहीं करवाए जा रहे, बल्कि इन चुनावों में की जा रही धांधली स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने लोगों को हो रही परेशानी और असुविधा का कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि मौजूदा तानाशाह आप सरकार इस समय लोगों के साथ शरेआम नाइंसाफी कर रही है और नाजायज रूप से अमृतसर के कई गांवों के लोगों की वोटें काट दी गई हैं, जिस कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर वेरका ने कहा कि यदि जल्द से जल्द लोगों की इन समस्याओं का समाधान ना निकाला गया तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस मौके सीनियर कांग्रेसी नेता रमन बख्शी ने कहा कि सभी आला अधिकारियों के पास जाने के बावजूद कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं की गई। इस मौके सीनियर कांग्रेसी नेता रमन बख्शी सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आज पंजाब दे विच हाहाकार मची है, पंचायतां दी कोई सुनने वाला नहीं, इन्हां दी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं। आज प्रशासन सुता पिया है, इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है। अज बई पिंडां दे विच लोकां दीआं वोटां कट्टियां गईआं सारीआं, इह सरकार दी मिली भुगत है, इह भगवंत मान दी सरकार दा इह किहड़ा बदलाव है। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੁਮਾਨਪੁਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। 1000 ਵੋਟ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਏਡੀਸੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਰਕਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, 1000 ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।